अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्टी फूड विद तमन्ना। आज हम बनाने जा रहे हैं केले की बर्फ़ी। तो आप लोग ने बहुत सारी बर्फ़ी खाई होगी, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके साथ केले की बर्फ़ी शेयर करें कि ये कैसे बना सकते हैं हम, और बहुत आसान तरीके से बनती है ये। तो हमने ये चार केले लिए हैं, और ये हमने अखरोट लिया है, इसे छोटे पीस में कट कर लिया है, और ये हमने मकई का आटा लिया है जो कि ये एक कटोरी ली है हमने। तो ये हमने गोले का बुरादा लिया है, और चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो। और ये हमने 2 टेबल स्पून तिल लिया है, और ये 2 ग्लास दूध लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इस केले को अच्छे से छीलकर इसे ग्राइंड करेंगे मिक्सी में। तो फ्रेंड्स, हमने जो केले लिए थे इसको बहुत अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में। अब हम ये कढ़ाई लेंगे, इसको हमने कम फ्लेम पे से गर्म होने के लिए रखा है था, तो ये गर्म हो गया बहुत अच्छे से। अब हम इसमें देसी घी डालेंगे। अब इसमें 3 पीस इलायची डालेंगे। अब हमने जो केले ग्राइंड किए थे वो डालेंगे। अब इन्हें अच्छे से चलाना है। इस तरह से हमें चलाना है थोड़ी देर तक, 1-2 मिनट हमें चलाना है इसे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। अच्छे से चलाएंगे आप। इसे हमें कम फ्लेम पे इसे इसी तरह पकने देना है। अब हमने जो आटा लिया था उसे हम हल्का भूनेंगे, तो हमने भूनने के लिए ये रखा है गरम करने के लिए इसे। तो ये गरम हो गया है, अब हम इसमें आटा डालेंगे जो हमने मक्के का आटा लिया था। कम फ्लेम पे आप इसे भूनेंगे अच्छे से। आपको ये भूनना है भी भुन गया है, 1-2 मिनट तक आप इसे भून सकते हैं। तो ये अच्छे से भुन गया हमारा, दूध पक गया है, अच्छे से जल चुका है। अब हम इसे थोड़ा और अभी दूध जलाना है और थोड़ा पकाना है इसे। तो इसमें पकाने के लिए हम पहले इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। तो हमने जो अखरोट लिया था वो डालेंगे, और जो हमने आटा भुना था वो डालेंगे। अब इसमें कलर डालेंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। जो बर्फ़ी का जो कलर होगा बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, और बहुत ज़्यादा देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें हमने इसलिए कलर डाला है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। इसे थोड़ी देर तक हम इसी तरह मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट तक ऐसे चलाएंगे और कम फ्लेम पे। बहुत अच्छे से दूध भी हमारा अच्छे से जल चुका है, और हमने जो चीनी डाले थे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब हमारा ये अच्छे से तैयार हो गया है। तो ये बर्फी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने ये प्लेट ले लिया है। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। अगर आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो ऑयल लगा लें, अगर बटर लगाना है तो बटर लगा लें। हम इसमें बटर लगा रहे हैं प्लेट में इसलिए क्योंकि जो हम बर्फ़ी बना रहे हैं तो नीचे प्लेट में चिपके ना, तो हम इसमें ये बटर लगा रहे हैं। आप पूरे प्लेट में इस तरह से फैला लें। तो ये हमने फैला लिया है। तो हमने ये पूरे प्लेट पर अच्छे से बटर लगा लिया है। अब हमने जो तिल लिया था तिल लगाएंगे इसमें। इस तरह से आप पूरे प्लेट में फैलाएंगे।
बुरादा गोले का जो लिया था हमने वो डालेंगे पूरी प्लेट में। तो अब हमने जो पेस्ट जो हमने केले का सब तैयार किया है वो डालेंगे इस पे। अब हम इसे फैलाएंगे पूरी प्लेट। तो पहले तिल लगाएंगे, बुरादा लगाएंगे, इस तरह से आपको पूरे में फैलाना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम आपको काट के दिखाएंगे कि बर्फी तैयार हो गई है। तो हमने इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ठंडा हो गया है। अब हम इसको काट के दिखाएंगे आपको। हम इसको इस तरह कट कर रहे हैं, आप जिस टाइप से आपको कट करना है आप उस टाइप से इसे कट कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप से कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि लगेगा कि हाँ ये बर्फी है। देखिए अंदर भी बहुत अच्छे से बर्फी लग रही है, बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। तो ये बर्फ़ी बहुत आसान तरीके से हमने बना के दिखाई है आपको। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ही लजीज बनी है। आप ये मेहमान के सामने बहुत आसानी से इसे बना कर इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।